जगह जगह अखिलेश यादव की तस्वीरों के साथ पीडीए के बड़े बड़े बैनर ये बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में पीडीए ही इंडिया गठबंधन का नारा है। सपा के कार्यकर्ताओं ने मंच को घेर लिया, सेल्फी खिंचाने अपने नेता को अपने बीच में अलग ही क्रेज नजर आ रहा था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे तब अखिलेश यादव क्या कमाल कर पाते हैं। न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। भारत एट नाइन में आज बात होगी एक ऐसे चेहरे की जिसने अपना गढ़ खोया लेकिन अपना कद एक बार फिर से बढ़ा दिया है। उस दिन आगरा के टेढ़ी बगिया इलाके में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई थी। नजारा था अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तस्वीर का। तारीख 25 फरवरी थी। अखिलेश यादव राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में पहली साझा रैली करनी थी। जगह जगह अखिलेश यादव की तस्वीरों के साथ पीडीए के बड़े बड़े बैनर ये बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में पीडीए ही इंडिया गठबंधन का नारा है। अखिलेश यादव मंच पर थे, राहुल गांधी से करीब 10 मिनट पहले ही नजर आए। अखिलेश के पहुंचते ही सपा के कार्यकर्ताओं ने मंच को घेर लिया, सेल्फी खिंचाने अपने नेता को अपने बीच में अलग ही क्रेज नजर आ रहा था। किसी भी तरह अखिलेश के करीब पहुंचने की होड़सी मची हुई थी। कुछ तो उत्साहित कार्यकर्ताओं ने मंच की रैली को लांघने की भी कोशिश की। कई लोगों ने अखिलेश यादव को छू भी लिया था। अखिलेश बार बार मुस्कुराते हुए कार्यकर्ताओं की तरफ हाथ का इशारा करके शांत होने की अपील करते और उत्साही कार्यकर्ता एक दूसरे को पछाड़ते हुए रेलिंग पर लटक जाते। एक महिला कार्यकर्ता पुलिस के धकेलने के बावजूद तब तक रेलिंग पर डटी रही जब तक अखिलेश यादव के साथ सेल्फी नहीं खिंचा ली। पत्रकार बाहर की गर्मी से राहत लेते हुए पीडीए की एसी बस में बैठकर ये नजारा देख रहे थे। अब देखिए अखिलेश की झलक पाने की जद्दोजहद कर रही बस में खड़ी पार्टी की एक महिला नेता को कार्यकर्ताओं के उठे हाथों की भीड़ के बीच जैसे ही अखिलेश यादव की झलक मिली उसके मुंह से निकल पड़ा, आज अखिलेश जी बिल्कुल नेताजी जैसे लग रहे हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव। बस फिर क्या था, यही कहना भर था और अखिलेश यादव तो गदगद हो गए। वो अखिलेश यादव के लुक की तुलना उनके पिता मुलायम सिंह यादव से कर रही थी। अब लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के यूपी में 37 सीटें जीतने और अपने इतिहास के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तक पहुंचने के बाद अखिलेश यादव के राजनीतिक कद की तुलना उनके पिता मुलायम सिंह यादव से की जाने लगी है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक और समाजवादी विचारधारा से जुड़े ये मान रहे हैं कि अभी मुलायम सिंह के बराबर पहुंचने में अखिलेश यादव को बहुत लंबा सफर तय करना है। टेढ़ी बगिया की उस रैली में बड़ी तादाद में मौजूदा पार्टी के दलित कार्यकर्ता ये इशारा जरूर कर रहे थे कि अखिलेश यादव की राजनीति अब बदल रही है, लेकिन उसे समझना इतना भी आसान नहीं था। उत्तर प्रदेश की राजनीति को ही समझना बहुत मुश्किल है। कब क्या हो जाए, कब पासा पलट जाए, कहना बहुत जल्दबाजी हो जाती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी को दलितों की बहुजन समाज पार्टी के विरोधी के रूप में देखा जाता रहा है। हालांकि दोनों पार्टियां एक साथ गठबंधन में चुनाव भी लड़ चुकी हैं। अब इस रैली में मौजूद एक दलित कार्यकर्ता ने कहा था, समाजवाद पार्टी ने अब सही लाइन पकड़ी है, हम जैसे दलित कार्यकर्ताओं को भी सम्मान मिल रहा है, हम संविधान लेकर दलितों के बीच जा रहे हैं और ये समझने की जरूरत और कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में दलितों के लिए भी जगह है। तब चुनाव में वक्त था पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अन्य, इसे अल्पसंख्यक भी समझा जा सकता है क्योंकि अब अधिकतर समाजवादी पार्टी नेता ए यानी अल्पसंख्यक ही बोल रहे हैं। अब इसको एक साथ लाना आसान काम नहीं दिख रहा था। 22 जनवरी को अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और उसकी मीडिया कवरेज से ऐसा लगा था कि चुनाव में कम से कम यूपी में तो यह बड़ा मुद्दा बनेगा, लेकिन इस रैली के लगभग 3.5 महीने बाद आए चुनावी नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ उनका इंडिया गठबंधन दलित वोटरों को अपनी तरफ खींचने में पूरी तरह से कामयाब रहा। हिंदुत्व का प्रतीक बनी अयोध्या में ही दलित उम्मीदवार अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत गए। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए यूपी में आए चमत्कारिक नतीजों को नफरत की राजनीति के मुंह पर तमाचा बताते हुए कहा, ऐसा लगता है कि गंगा जमुनी तहजीब खत्म हो गई है, लेकिन इस नतीजे के बाद ये कहा जा सकता है कि नफरत की राजनीति और धार्मिक ध्रुवीकरण को लोगों ने नकार दिया है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ मिलकर पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों के गठजोड़ के नारों को घर घर तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को बार बार यूपी के दो लड़के कहकर संबोधित किया जा रहा था।
कई बार बीजेपी के नेताओं ने दो शहजादे कहकर इस राजनीतिक डोरी का उपहास भी उड़ाने की कोशिश की थी। अखिलेश यादव का पीडीए का नारा, राहुल गांधी का संविधान हाथ में लेकर रैलियां करना सबसे बड़ा गेम चेंजर इस चुनाव में साबित हुआ। अभी भी राहुल गांधी उसी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, नतीजे चाहे कुछ भी हो। इंडिया गठबंधन इस बार बड़ी तादाद में दलित वोटर अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और दलित मतदाताओं के बीच ये फासला रहा। दलितों और यादवों के बीच सामाजिक दूरी में ये फासला और बढ़ता दिखता है। राजनीतिक विशेषक मानते हैं कि अखिलेश यादव की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि उन्होंने इस फासले को खत्म कर दिया और वो इस बार दलित मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहे हैं, और यही उन्हें मिले अप्रत्याशित जीत में से एक सबसे बड़ा फैक्टर भी है। लेकिन अखिलेश यादव के लिए ये करना आसान नहीं था। साल 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था, जब उन्होंने परशुराम का फरसा थामा तो समाजवादी विचारधारा से जुड़े बहुत से लोग हैरान रह गए। अखिलेश यादव की जीवनी लिखने वाले कहते हैं कि अखिलेश यादव ने जब 2022 में ब्राह्मण ट्रैप में फंसकर समाजवादी सिद्धांतों के खिलाफ फरसा थाम लिया था, तब सैद्धांतिक रूप से उन्हें गिरावट आई। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव नतीजों ने अखिलेश यादव को समझा दिया कि समाजवाद ही उनका असली रास्ता है। समाजवादी पार्टी ने लगातार दो विधानसभा चुनाव हारे हैं। 2014 और 2019 लोकसभा चुनावों में भी पार्टी 5 सीटों पर ही सिमटी रही। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व के सामने अखिलेश की राजनीति लगातार कमजोर हो रही थी। अखिलेश के सामने परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन उनके पास समर्पित कार्यकर्ता भी थे, और ऐसा माना जाता है कि अखिलेश यादव के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। अखिलेश के आदेश पर यूपी के 40 जिलों में पीडीएस साइकिल यात्रा निकालने वाली पार्टी के कार्यकर्ता बताते हैं कि नेताजी ने स्पष्ट कहा था कि पीडीए के नारे को घर घर तक लेकर जाना है। हमने गाजीपुर से यात्रा शुरू की और 40 जिलों का सफर तय किया। यहाँ 26 सीटों पर हमारी जीत हुई है। 18 साल से समाजवादी पार्टी से लोग जुड़े रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो जुड़कर लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना हमने नहीं की थी। पार्टी कार्यकर्ता अपने आप को अखिलेश यादव के करीबी महसूस करते हैं और अखिलेश भी उनकी बात सुनते हैं। साल 2019 में बसपा के साथ गठबंधन टूटने के बाद मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन तो टूट गया, लेकिन लोहिया और अंबेडकर का गठबंधन नहीं टूटा। अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया और हजारों साल पुरानी इस लड़ाई को और मजबूत किया। अखिलेश यादव ये समझ गए कि जाति इस देश की सच्चाई है और सामाजिक न्याय के लिए जाति के सवाल का जवाब देना ही होगा। अखिलेश यादव ने जब 2012 में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो वो एक नए विजन के साथ आए थे। उन्होंने विकास और सबको बराबर रखने की राजनीति की। राजनीतिक परिवार में पैदा हुए अखिलेश यादव विदेश में पढ़े हैं। जब 2012 में उन्हें सत्ता मिली तो विकास उनका मूल मंत्र था। उन्होंने सबको साथ लिया और सबके लिए काम किया। लेकिन 2017 में चुनाव हारने के बाद जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो उसे गौमूत्र से धोया गया। इसने अखिलेश के विचार बदले। अखिलेश बार बार ये कहते हैं कि मैं अपने आप को अगड़ा समझता था, इन्होंने मुझे पिछड़ा साबित कर दिया। साल 2024 में कन्नौज में नामांकन के दौरान जब अखिलेश यादव मंदिर गए तो उनके जाने के बाद इस मंदिर को भी धोया गया। इससे संकेत गया कि देश का एक वर्ग एक पूर्व मुख्यमंत्री को भी बस पिछड़ा ही समझता है। अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा किया कि कौन है जिसे आप शूद्र और पिछड़ा कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इस बार टिकट बंटवारे में भी सभी जातियों का ध्यान रखा। इस बार अखिलेश यादव ने गठबंधन में अपने हिस्से आई 62 में से सिर्फ 5 सीटों पर यादव और 4 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार उतारे, जबकि 17 दलित प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। उन्होंने 9 सवर्ण और कुल 30 OBC उम्मीदवारों को टिकट दिया। इस बार पूरा फोकस जातिगत समीकरण साधने पर था, सबको हिस्सेदारी देने पर था। सबसे बड़ी हिस्सेदारी दलितों को दी गई। संविधान बचाने की जो बारी आई तब बसपा के मिशन के लोग भी समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। आज अखिलेश यादव बहुजन आइकन बनकर उभरे हैं। वो अब सिर्फ पिछड़ों के नेता या पिछड़ों के आत्मसम्मान के प्रतीक नहीं, उन्होंने दलितों को भी अपने साथ ले लिया है। ये एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत है, संघ की लड़ाई की। पीडीए राजनीति ने बहुत कुछ बदल दिया है और इसका असर आगे देश की राजनीति पर दिखाई जरूर देखा। विश्लेषक ये कहते हैं कि 2024 चुनाव नतीजों ने अखिलेश यादव को जीवनदान दे दिया है। अखिलेश की राजनीति को मिले इस जीवनदान का सबसे बड़ा क्रेडिट राहुल गांधी के हाथ में संविधान को दिया जाना चाहिए, ये पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने हर रैली में हाथ में संविधान लिया और ये संविधान दलितों और पिछड़ों को इंडिया गठबंधन के करीब लाता गया। पिछले 2 साल में अखिलेश के राजनीतिक व्यक्तित्व में लोहिया और अम्बेडकर के सिद्धांत मजबूत हुए, और अगर वो इन पर टिके रहेंगे, ये स्पष्ट है कि वो टिके ही रहेंगे, तो देश की राजनीति में उनका कद और ज्यादा बढ़ेगा।
उत्तर प्रदेश में मुसलमान मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ रहे। 2022 के चुनावों में यूपी के मुसलमानों ने एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को दिया था, लेकिन पार्टी जीत नहीं सकी। साल 2024 में भी मुसलमानों ने इंडिया गठबंधन को बढ़ चढ़कर वोट दिया है। विश्लेषक मानते हैं कि इसका एक कारण राहुल गांधी भी है। राहुल और अखिलेश यादव की जोड़ी ने मुसलमान मतदाताओं में भी एक विश्वास पैदा किया। राहुल को साथ देकर अखिलेश यादव में मुसलमान मतदाताओं का विश्वास और बढ़ा। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव को मुसलमानों के मुद्दों पर अब और मुखर होना होगा। वो कहते हैं अखिलेश यादव को मुसलमानों के मुद्दों पर मुखर होने और उनसे प्राथमिकता देने की जरूरत है। अभी तक अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए एक झिझक के साथ बोलते रहे। उन्हें यह झिझक दूर करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें नुकसान हो सकता है। अब देखिए, अखिलेश यादव ने तो अपना घर बढ़ाया है। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव होंगे तब अखिलेश यादव क्या कमाल कर पाते हैं। एट टाइम में आज के लिए इतना ही। कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।